इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया। जी हां, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ममता बनर्जी की जो नाराजगी है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को लेकर, वो साफ तौर पर देखी गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्षी एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटकनी देने, चुनावी चुनौतियां देने का दम भर रहा था। लेकिन अब ममता ने बंगाल विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। ममता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जितने भी प्रस्ताव रखे हैं उन सबको ठुकरा दिया गया है, ममता को नहीं सुना जा रहा है। यही वजह है कि ममता की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर और लेफ्ट पार्टियों पर आरोप लगाया कि उनकी सुनवाई गठबंधन के अंदर नहीं हो रही है। इसी वजह से अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। यानी कि गठबंधन से अलग ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर सीटों का बंटवारा नहीं होगा। क्या अब ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी गठबंधन से अलग हो गई है?